कि सास कहे बहू आवेगी जरूर, आके पोछा लहावेगी जरूर। माताएं हमारी इंतजार किया करती हैं कि घर में बहू आवेगी। ये देखो सब अपने अपने अरमान होते हैं, माताओं का वेट होता है, इंतजार होता है कि घर में बहू आवेगी, आराम मिलेगी, खाना बनावेगी, झाड़ू लगावेगी, पोछा करेगी, बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाऊंगी। होता ना, हर एक अम्मा का विचार होता है कि सास कहे बहू आवेगी जरूर, आके पोछा लगावेगी जरूर। ये तो अरमान है, पहले ही संदाजो करने लगती, बहू आवेगी, पोछा लगावेगी, झाड़ू लगाओगी, रोटी बनाओगी। मैं आता चार छह जगह दिन भर में छकिया चूलो करके तब संध्या को सोऊंगी। कि सास कहे बहू आवेगी जरूर, आके पोछा लगावेगी जरूर। लेकिन उल्टा हो गया, कि सास लगाए रही पोछा और बहू बैठी खाए रही समोसा। सास लगाए रही पोछा, बहू खाए रही बैठी समोसा। अब सास रानी पोछा लगा रही, बहुटिया सवेरे उठ के समोसा खा रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, अरे तुम्हारा पति है तो कम से कम ये भी समझो, उनका बच्चा बेटा है, उन्होंने पैदा किया, उनका बेटा है। मान लिया आपके साथ में शादी हुई है, एग्रीमेंट थोड़ी करा है आपके बाप ने। हाँ जी, आपका अगर पति है तो माँ बाप का बेटा भी है, तो कम से कम बहू को तो ये चाहिए कि 70% माँ बाप की माने और 30% तुम्हारी माने, और ना हो तो 50-50% कर लो। बहू ये सोचती है कि 100% मेरे ही हो जाए। भाई ये कहां तक, माँ बाप ने पैदा किया, पालन पोषण किया, उनका बच्चा है। सोचो महाराज, अब श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को बहुत प्रेम करते, पत्नी की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। अब पत्नी जो है वो अपने सास ससुर से जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुख मुसीबत में ये हरदम साथ है, और खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप, खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप। दुख मुसीबत में हरदम साथ हैं, खूब ले लो मजे जिनके माँ बाप हैं। प्यारे, माँ बाप का प्यार बहुत विलक्षण होता है।